यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, तो हम लोग मेटल फार्मिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, और मेटल फार्मिंग के इंट्रोडक्शन को हमने शुरू किया। मेटल फार्मिंग किस जोन में काम करता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करता है। आप जब इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करोगे सोम बात करेगा, आप इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाओगे, यील्ड पॉइंट के ऊपर चले जाओगे आपको। इसीलिए मैंने वो वर्किंग कंडीशन लिखाई है मेटल फार्मिंग की, कि वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए। उसी के साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड थे सोम के, जो कि रिलेट करते हैं आपके इसमें। इसीलिए मैंने ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस बताया, ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने। ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। ये बात क्लियर हो गई। अब सुनिए मेरे बच्चों, एक और बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको स्प्रिंग बैक कहा जाता है। एक और तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैक बोलते हैं। स्प्रिंग बैक का क्या मतलब है, स्प्रिंग बैक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा सुनिए। स्प्रिंग बैक या इसी को इलास्टिक रिकवरी कहा जाता है। स्प्रिंग बैक को इलास्टिक रिकवरी कहा जाता है। स्प्रिंग बैक को ही क्या कहा जाता है, इलास्टिक रिकवरी कहा जाता है। अब सुनिए फिर से बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्प्रिंग बैक को हमने कहा इलास्टिक रिकवरी कहा जाता है। अब अगर स्प्रिंग बैक को इलास्टिक रिकवरी, अच्छा मैं चलिए बाद में करा दूंगा, स्प्रिंग बैक को इलास्टिक रिकवरी बच्चों कहा जाता है। जब स्प्रिंग बैक को इलास्टिक रिकवरी कहा जाता है, इलास्टिक रिकवरी का मतलब क्या होता है, इलास्टिक रिकवरी का मतलब क्या होता है, ये बात आप सब लोग जानते होंगे कि अगर मेरे पास कोई प्लेट है, कोई स्ट्रिप है या कोई प्लेट है, मान लीजिए कि कोई भी प्लेट आप ले लें, मान लीजिए कोई भी इस तरीके से आपने लिया प्लेट और इसको आपने इसकी ये जो हाइट है, ये पहले कितनी थी, मान लीजिए 10 mm थी। आपने इसको कम की का, आपको इसको 2 mm कम करना है, या आपको इसको 2 mm कम करके 8 mm बनाना है। आपने अगर 2 mm ही कवर किया तो बाद में जब ये बाहर निकलेगी, तो ये बाहर निकलने के बाद 2 mm की 2 mm कम करोगे तो ये बाहर निकलने के बाद 8.5 mm की बाहर निकल के आ सकती है। ये जो 0.5 mm निकल के आया, मतलब इतना इसने अपने डिफॉर्मेशन को वापस भेज दिया। जो डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर हुआ था, वो डिफॉर्मेशन इतना वापस भेज दिया, मतलब आपको 8.5 mm का डायमेंशन का मिल गया। ये जो 0.5 mm आया, दैट इज द इलास्टिक रिकवरी। यही तो इलास्टिक रिकवरी है। अब इस इलास्टिक रिकवरी के लिए अगर उसमें 0.5 इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, 0.5 स्प्रिंग बैक है, तो इसका मतलब आपको इसको 7.5 तक कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये 8 mm का आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। क्योंकि 0.5 mm वो स्प्रिंग बैक यानी वापस मार देगा, तो आपका 0.5 mm होगा। और जो इलास्टिक रिकवरी है, एक्चुअली वो और कुछ नहीं है, वो एक डिफॉर्मेशन ही तो है। इलास्टिक रिकवरी क्या है, एक डिफॉर्मेशन है। तो और आपने एक चीज पढ़ा है, यंग मॉडुलस। क्या पढ़ा है, यंग मॉडुलस। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अप टू हुक्स लॉ के साथ आपने पढ़ा है कि हुक्स लॉ के जब बात करते हैं तो अप टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन, और जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो सिग्मा टी इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन टी, और ये जो ई है यही आपका यंग मॉडुलस है, यही आपका क्या है, यंग मॉडुलस है। इसी को तो पढ़ते हो, इसी को तो कहते हो यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस आपने पढ़ा, सबको पता, मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा।
और अब आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे मेरे बच्चों कि जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी इलास्टिक रिकवरी ज्यादा होगी कम होगी। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूजन में आते हैं, अक्सर लोग इस पे कंफ्यूजन में आते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि यह कंफ्यूजन क्या है, मैं आपको बताता हूं यह कंफ्यूजन क्या है। याद रखिएगा, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी इलास्टिक रिकवरी कम होगी। अब कहोगे कैसे आप सर, क्या बात करते हो, यंग मॉडुलस तो जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा वो यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, तो फिर इलास्टिक रिकवरी वाला कैसे कम हो गया? सुनिए ध्यान से, मैंने कहा जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसकी इलास्टिक रिकवरी कम होगी, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसकी इलास्टिक रिकवरी कम होगी। इलास्टिक रिकवरी कोई नई चीज नहीं है, इलास्टिक रिकवरी एक तरीके का डिफॉर्मेशन है। इलास्टिक रिकवरी इज नथिंग बट लाइक ए डिफॉर्मेशन, नथिंग बट ए डिफॉर्मेशन, एक तरीके का ये डिफॉर्मेशन है। इलास्टिक रिकवरी कोई नई चीज नहीं है, तरीके का डिफॉर्मेशन है। अब आप जरा देखिए ध्यान से, और ये विरोधी है डिफॉर्मेशन का। यंग मॉडुलस कहां से आता है? ये डिफॉर्मेशन का अपोच करने वाला है। ये क्या करता है? ये अपोच करता है डिफॉर्मेशन का, ये अपोच करता है डिफॉर्मेशन का। अगर मैं आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाऊं बच्चों, अगर मैं आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहीं पे बना के दिखा दूं, अगर मैं आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहीं पे बना के दिखा दूं, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें स्ट्रेस है और इसमें स्ट्रेन है, इसमें स्ट्रेस है और इसमें स्ट्रेन है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। अब बताओ, मान लीजिए कि आप इसमें एक कर्व ड्रा करते हो, मान लीजिए कि इसमें कर्व एक ड्रा करते हो, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन यहां से यहां तक जाएगा, 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 और यहां से उस पर यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, यहां से उस पर यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, यहां से उस पर यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, हुआ ना? तो ये जो यहां से इस पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, अब ये क्या करेगा? मान लीजिए ये कुछ स्प्रिंग वापस बैक आता है, वापस डिफॉर्मेशन मतलब यहां से यहां तक यही यही स्ट्रेन है, यही तो डिफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफॉर्मेशन जो है, ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस लॉन्ग इधर की तरफ डिफॉर्मेशन दिखाता है, ये डिफॉर्मेशन है और ये इसकी स्ट्रेस है। अब ये स्प्रिंग बैक मारेगा, क्या करेगा स्प्रिंग बैक? मैं तीन चीजें दिखाता हूं। स्प्रिंग बैक मारेगा, मान लीजिए मैं कहूं कि ये तीन स्प्रिंग बैक करता है, एक स्प्रिंग बैक यहां से वापस, एक स्प्रिंग बैक मान लीजिए यहां से यहां तक करता है, सॉरी हटाओ इसको, एक स्प्रिंग बैक यहां से, क्या हुआ, चलो इतने ही रहने दो, कोई बात नहीं, एक स्प्रिंग बैक, यहां से यहां तक करता है ऐसे, इसी की पैरेलल लाइन खींचोगे ना, ये पैरेलल लाइन खींचोगे ना, इसी के पैरेलल लाइन खींचते हो ना, तो ये एक स्प्रिंग बैक हुआ। दूसरा स्प्रिंग बैक ये हो, इतना दे सकता है। तीसरा स्प्रिंग बैक ये हो सकता है। एक्चुअल डिफॉर्मेशन आपने इतना किया था, बट ये स्प्रिंग बैक करके यहां तक आ गया, स्प्रिंग बैक करके ये यहां तक आ गया, एक्चुअल डिफॉर्मेशन उतना हुआ था, इसने स्प्रिंग बैक करके इतना वापस आ गया। जब ये इतना वापस आया तो इस पर आपका, जरा देखिए ध्यान से, यहां से चला था, ये कहां से चला था मेरे बच्चों? ये यहां से चला था, जीरो से यहां से, ये जो यहां से यहां तक चला, ये है आपका एप्साइलम पी, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यही तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ईपी है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है टोटल, ठीक है। अब बताओ
इस लाइन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में यह हुक्स लॉ को फॉलो करता है। आपने ये लाइन इसके पैरेलल खींचने की बात किया। अब ये लाइन अगर ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो लाइनें खींची गई हैं यही लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी स्लोप, और इन लाइन का जो स्लोप है यही आपका यंग मॉडुलस है। यही आपका क्या है? यंग मॉडुलस है। इन लाइनों का जो स्लोप है यही क्या है? यंग मॉडुलस है। तो इनके स्लोप को जरा देखिए मेरे बच्चों ध्यान से। मान लीजिए कि इसका एंगल थीटा वन है, इसका एंगल थीटा टू है, इसका एंगल थीटा थ्री है। आप ये वाला सैंपल लेंगे तो थीटा थ्री वाले का जो स्प्रिंग बैक हुआ है वो एप्साइलम थ्री हुआ है, थीटा टू वाले का जो स्प्रिंग बैक हुआ है वो एप्साइलम टू हुआ है, और थीटा वन वाले का जो स्प्रिंग बैक हुआ है वो एप्साइलम वन हुआ है। थीटा वन वाले का जो स्प्रिंग बैक यानी जो वापस गया है, जो स्प्रिंग बैक वापस गया है, थीटा वन वाला इतना गया है, थीटा टू वाला इतना गया है, थीटा वन थीटा थ्री वाला इतना गया है, और जिसका जितना ज्यादा स्लोप उसका यंग मॉडुलस उतना ज्यादा। यह बात तो क्लियर है सबको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ कहता है हुक्स लॉ में यंग मॉडुलस जो आता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है, जो कर्व का ग्राफ है यानी जो स्लोप है वो यंग मॉडुलस के बराबर होता है। यह बात सबको पता है, सब समझते हैं, सब जानते हैं। अब मुझे बताइए, यहां देखिए सबसे ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, थीटा थ्री है, ये इतना झुका हुआ है, ये इतना झुका हुआ, ये इतना है, यानी सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? थीटा थ्री वाले का है। सबसे कम स्लोप किसका है? थीटा वन वाले का है। तो स्प्रिंग बैक यहां पर इन तीनों लाइनों को देखिए, इन तीनों लाइनों को ध्यान से देखिए, आप कह सकते हैं कि साहब यहां पर थीटा वन इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री, थीटा वन इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री तीन है, मैंने तीन बनाया, तीनों को चेक करो, थीटा वन सबसे कम है, उससे ज्यादा थीटा टू है, उससे ज्यादा थीटा थ्री है, यही है ना। थीटा वन इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री। जिसका थीटा कम है, इसका मतलब यही रिलेशन इसके यंग मॉडुलस में भी है, क्योंकि थीटा के साथ ही यंग मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है, थीटा के साथ ही यंग मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है ना, थीटा के साथ ही यंग मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है ना। इसका मतलब इसका थीटा के साथ जो इसके साथ जो रिप्रेजेंट करने वाला है, इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो एप्साइलम यानी ई वन इज लेस देन ई टू इज लेस देन ई थ्री। जिसका थीटा कम है उसका यंग मॉडुलस कम है, जिसका थीटा कम है उसका यंग मॉडुलस कम है। बट अगर आप यहां से देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, एप्साइलम वन किसका ज्यादा है? एप्साइलम वन इसका एप्साइलम वन ले लो, इसका एप्साइलम टू ले लो, इसका एप्साइलम थ्री ले लो। एप्साइलम वन इज ग्रेटर देन एप्साइलम टू इज ग्रेटर देन एप्साइलम थ्री। जिसका यंग मॉडुलस कम है उसका एप्साइलम वन ज्यादा है, जिसका यंग मॉडुलस कम है उसका एप्साइलम क्या है? ज्यादा है। उसका एप्साइलम क्या है? ज्यादा है। मतलब जिसका यंग मॉडुलस कम उसका एप्साइलम ज्यादा, जिसका यंग मॉडुलस कम उसका एप्साइलम ज्यादा, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा। भैया ये क्या है? एप्साइलन क्या है? स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, और स्ट्रेन को डिफॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, कल बताया हूं। तो जिसका स्ट्रेन ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा, जिसका यंग मॉडुलस कम उसका डिफॉर्मेशन की बात कम रहे, यही है स्प्रिंग बैक। जितना ये वापस यानी यहां तक आपने लोड लगा के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर दिया, यहां तक लोड लगा के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके छोड़ दिया। कुछ सैंपल है वो मान लीजिए मैं यहीं पर दिखाया तीनों को, कुछ सैंपल हैं जो यहां तक बैक मारते हैं तो उसमें इतना डिफॉर्मेशन वापस चला आया, टोटल इतना होना चाहिए था बट इतना उसने बैक मार दिया, दूसरे वाले ने इतना उसने बैक मारा, दूसरे वाले ने इतना मारा, तीसरे वाले ने इतना मारा। तो जिसका यंग मॉडुलस कम है, जिसका यंग मॉडुलस कम है उसमें इलास्टिक रिकवरी, जिसका यंग मॉडुलस कम है,
जिसका यंग मॉडुलस कम है उसमें इलास्टिक रिकवरी ज्यादा है, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा है उसमें इलास्टिक रिकवरी कम है, ये ग्राफ भी आपको बता रहा है। तो इसी को कहा जाता है बच्चों स्प्रिंग बैक, इसी को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग बैक कहा जाता है। यह बात सबको क्लिस्टर क्लियर हो रही है, यह बात सबको क्लिस्टर क्लियर हो रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां पर, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां पर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग बैक। स्प्रिंग बैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, स्प्रिंग बैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, स्प्रिंग बैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, स्प्रिंग बैक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्रिस्टल क्लियर बता दिया आपको स्प्रिंग बैक का क्या मतलब है, ठीक है। अब जरा और एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मेरे बच्चों। आप सोचोगे सर क्या क्या बता रहे हो, बट ये सब चीजें मेरे बच्चों, ये सब भूमिकाएं, ये सब बहुत जरूरी हो जाती हैं, किसके लिए, आपके आपके मेटल फार्मिंग ऑपरेशन के लिए। स्प्रिंग बैक पूछा जाता है, स्प्रिंग बैक पूछा जाता है, तो आप बताइएगा कि जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसका स्प्रिंग बैक कम होगा, क्यों कम होगा वो मैंने आपको दिखा के बता दिया, करके बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर की प्लास्टिक जोन में। फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर मतलब आप स्ट्रेस डेवलप होती है पता ही है, तो उसका बिहेवियर प्लास्टिक, इलास्टिक जोन में तो हुक्स लॉ फॉलो करता है, प्लास्टिक जोन में कौन सा लॉ फॉलो होता है, प्लास्टिक जोन में मेरे बच्चों कौन सा लॉ फॉलो होता है यह भी हमें पता होना चाहिए ना। तो स्ट्रेस फ्लो बिहेवियर इन प्लास्टिक जोन, स्ट्रेस स्ट्रेस फ्लो, स्ट्रेस फ्लो या फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर, स्ट्रेस फ्लो बिहेवियर या फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर यही लिख देता हूं, फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर इन प्लास्टिक जोन, फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर इन प्लास्टिक जोन। आप प्लास्टिक जोन की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक जोन में फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर कैसा होगा, फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर प्लास्टिक जोन में कैसा होगा, हम उसकी बात करने वाले हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। सुनिए फिर से बात को ध्यान से, जब आप फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर की बात करते हैं मेरे बच्चों, जब आप फ्लो स्ट्रेस बिहेवियर की बात करते हैं, अगर आप टू स्ट्रेस, अब हम किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, मैं अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं मेटल फार्मिंग की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेटल फार्मिंग की बात कर रहा हूं। मेटल फार्मिंग में हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, प्लास्टिक जोन से लेना देना है। जब प्लास्टिक जोन से लेना देना है तो किस स्ट्रेस की बात करेंगे, फ्लो स्ट्रेस की, टू स्ट्रेस की और टू स्ट्रेन की बात करेंगे। ठीक है, फ्लो स्ट्रेस कहते किसको है, फ्लो स्ट्रेस कहते किसको है। एक्चुअली फ्लो स्ट्रेस वो स्ट्रेस है उतने सफिशियंट अमाउंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कम से कम इतनी स्ट्रेस रिक्वायरमेंट हो जो कि कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को सस्टेन कर पाए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रोक पाए, यानी जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन कर दे, दैट इज द फ्लो स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू सस्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू सस्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्लो स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस रिक्वायर्ड
स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू सस्टेन certain amount of plastic deformation to sustain certain amount of plastic deformation is called flow stress इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लो स्ट्रेस कहा जाता है। जब आपको सर्टेन अमाउंट में स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट हो, कम से कम इतनी स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट हो कि आपको आपको फ्लो स्ट्रेस यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को सस्टेन कर पाए, उस स्ट्रेस को फ्लो स्ट्रेस कहा जाता है। उस स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? फ्लो स्ट्रेस कहा जाता है। और बच्चों, अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद हो, इन जनरल अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मेरे बच्चों याद हो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा, हमने एक जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था। ऐसा कुछ बना था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और हमने कहा था कि भैया यहां पर कहीं मेरी इलास्टिक लिमिट है, यहां पर क्या है? इलास्टिक लिमिट है मेरे बच्चों, ये दिस इज द इलास्टिक लिमिट। इसके बाद यील्डिंग शुरू हो जाएगी, ये है इलास्टिक लिमिट। तो हम कहते हैं अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट ये जो एरिया है इसको कौन बात करेगा? इस पर कौन सा लॉ फॉलो होता है? इस पर हुक्स लॉ फॉलो होता है। आप सब पढ़ते हैं हुक्स लॉ। इस पर कौन सा लॉ फॉलो होता है? इस पर हुक्स लॉ फॉलो होता है। इस पर कौन सा लॉ फॉलो होता है मेरे बच्चों? इस पर हुक्स लॉ फॉलो होता है। और आप कहते हैं कि सिग्मा टी इज इक्वल टू एप्साइलन, सिग्मा टी इज इक्वल टू ई इंटू एप्साइलम टी। आपने एक्स एक्सिस पर एप्साइलन टी ले रखा है, ट्रू स्ट्रेस ले रखा है। वाई एक्सिस जो है इस पर आपने सिग्मा टी ले रखा है, ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का कर्व। क्लियर है? ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का कर्व। और अगर इसके ऊपर ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन मेरा क्या कहलाता है बच्चों? आप जब फोर्स लगाते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेन हार्डनिंग, वो भी बता दूंगा आगे, परेशान मत होइएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जब आप उसमें लोड लगाते हो तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं, जो ग्रेन बाउंड्री है मूव करती हैं, वो सब एक जगह पहुंचती है, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स इकट्ठा लगाने लगती है, एक नई स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अभी आगे बताऊंगा, आगे आएगा बताऊंगा, एक नई स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से उसकी स्ट्रेस बढ़ जाती है, उसी को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। आगे आएगा, डिटेल से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो यहां तक तो लीनियर रहता है, जहां पे हुक्स लॉ फॉलो करता है। यहां पर क्या होता है? लीनियर होता है। कर्व कैसा है? लीनियर होता है।
यहां पर आपका कर्व कैसा होता है मेरे बच्चों, यहां पे कर्व नॉन लीनियर होता है, यहां पे कर्व नॉन लीनियर होता है। यह बात सबको क्लियर है? जहां तक लीनियर है, जहां पे इलास्टिक लिमिट है, यहां पे आपका एक ला है जिसे हुक्स ला कहते हैं, आप सब काम चला लेते हैं हुक्स ला पढ़ के। बट जिसके बाद इस ट्रू स्ट्रेस पर नॉन लीनियर करवा जाता है, वहां पे कौन से ला के थ्रू स्ट्रेस निकाला जाए, वहां पर कौन से ला के थ्रू स्ट्रेस निकाला जाए, वहां पर आपका एक ला आता है जिसका नाम है पावर ला। क्या? कौन सा ला? जिसका नाम है पावर ला। और उस पावर ला के थ्रू यहां पर कौन सा ला लागू होता है? यहां पे लागू होता है पावर ला। यहां पे कौन सा ला लागू होता है? यहां पे ला लागू होता है पावर ला। और यहां पे इस ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन होता है? यहां पर ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन होता है? जैसे कहते हैं ना, कि आप, मैंने कहा ये स्ट्रेन हार्डनिंग वाला पोर्शन है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग वाला पोर्शन है। मैंने कहा ना कि मान लीजिए रोलिंग करते हो मेरे बच्चों, एक रोलर ये लगाया, ठीक है, दूसरा रोलर इसी के साथ आपने ये लगा दिया, इसी पर आपने कहा कि यहां से आपने ये लगा दिया, यही तो रोलिंग करते हो, ऐसा ही इसी को रोलिंग कहते हैं। आगे बताऊंगा इसी को रोलिंग कहते हैं। यही रोलिंग है, रोलर के साथ ये रोल करेगा, जब ये रोल करेगा तो इतने पोर्शन में आपको डिफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा, इतने पोर्शन में आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाई पड़ने वाला है। यहां पर ये मॉलिक्यूल्स को दबाता है तो यहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, यहां पर उतनी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होता रहे, यहां पर उतनी स्ट्रेस लगाते हैं जिससे कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होता रहे। तो इसलिए इस पोर्शन पर नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन होता है, नॉन लीनियर कर्व दिखाई पड़ता है जिसमें पावर लॉ अप्लाई होता है। जो ये पावर लॉ अप्लाई होता है इस पावर लॉ के थ्रू आप चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। पावर लॉ कैसे रिलेट करते हैं? पावर लॉ भैया कहता है कि सिग्मा टी इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलम टी की पावर एन। सिग्मा टी इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलम टी की पावर एन, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलम टी की पावर एन। तो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलम टी की पावर एन। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, या ये वाई है ना, तो वाई इज इक्वल टू सी, इसको सी मान ले, ठीक है, या इसको के मान ले, के इंटू यक्स की पावर एन। तो देख लीजिए, ये आपका नॉन लीनियर वाला कर्व आपका दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जहां पर के स्ट्रेंथ कोफिशियंट है, जहां पर के क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ कोफिशियंट है। हुयर, हुयर के क्या है? स्ट्रेंथ कोफिशियंट है। के इज द स्ट्रेंथ कोफिशियंट, एन क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। एन क्या है? जो स्ट्रेन हार्डनिंग मैंने बताया कि इसको दबाओगे, इसकी जो डिसलोकेशन है वो मूव होगी, एक जगह इकट्ठा होंगी, उन पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, जो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा उसी की वजह से उसकी स्ट्रेस बढ़ जाती है, दैट इज द स्ट्रेन हार्डनिंग, या इसी को वर्क हार्डनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये एन जो है, ये स्ट्रेन स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट कहलाता है, तो यन इज द स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। यन क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। यन क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। सिग्मा टी ट्रू स्ट्रेस है, एप्साइलन टी ट्रू स्ट्रेन है, यह बात सबको पता है।
अब मेरे बच्चों, अगर मैं अपने इस ग्राफ में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अपने इस ग्राफ में, इस ग्राफ में यन की वैल्यू अलग अलग ले लूं, एक नए पेज पे ले लेता हूं, एक नए पेज पे ले लेता हूं, अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो कर्व है, मैंने कहा कि सिग्मा टी इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलम टी की पावर एन, और के क्या है, एन क्या है, मैंने बता दिया, ठीक है, व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो, अगर आपने एन को जीरो कंसीडर कर लिया, अगर आपने एन को जीरो कंसीडर कर लिया, जब एन को जीरो कंसीडर कर लोगे, व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलम टी की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो का मतलब वन, इसका मतलब हुआ कि सिग्मा टी जो है वो के बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा टी इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात क्लियर आ रही है, ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ में आ रही है। अब अगर, अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं यहीं पे ग्राफ भी बनाता जा रहा हूं, आपको वो चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, जो जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, जो मेरे बच्चों जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और उधर चलो आप थोड़ा सा इकट्ठा हो करके और इधर मूव कर जाओ, ठीक है, इतने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, चलिए अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा मेरा कर्व, मेरा कर्व यहां से एकदम स्ट्रेट, एकदम लीनियर यहां तक जाने वाला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मेरा कर्व जाने वाला है, यहां पर आपकी सिग्मा टी, जो सिग्मा टी है, अगर आपने यहां पर कांस्टेंट, जो स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है वो जीरो है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट जीरो का मतलब सिग्मा टी की वैल्यू आपके स्ट्रेंथ की, यानी स्ट्रेंथ कोफिशियंट के बराबर हो गया, इसका मतलब वो चेंज नहीं होने वाला है, इसका मतलब वो फिक्स हो गया मेरे बच्चों, इसका मतलब वो क्या हो गया मेरे बच्चों, वो फिक्स हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, वो क्या हो गया, सिग्मा टी फिक्स हो गया। अब सिग्मा टी के बराबर है और के फिक्स है, मतलब के की वैल्यू वैरी नहीं करेगी, वैरी नहीं करेगी तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसका मतलब अब ये लाइन ऐसे चलने वाली है, स्ट्रेन हार्डनिंग अगर नहीं होगी, एन की वैल्यू जीरो है, मतलब ये लाइन एकदम स्ट्रेट ऐसे चलने वाली है, और ये लाइन ऐसे चलने वाली है, इसका मतलब ये लाइन किसकी हो गई, एन इज इक्वल टू जीरो की हो गई, ये लाइन किसकी हो गई, एन इज इक्वल टू जीरो की हो गई। जब एन इज इक्वल टू जीरो की हो गई, इसका मतलब इस मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो होगा, ये आइडियल प्लास्टिक मटेरियल हो गया, दिस इज द परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक, यही क्या है, अरे इसी को तो कहते हैं परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक, दैट इज द परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक। परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक, दैट इज परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। इसका मतलब हुआ कि इस रेंज में जहां स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है, उस मटेरियल को डिफॉर्म कराना आपके लिए बहुत आसान है। परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक मटेरियल का मतलब उसको डिफॉर्म कराना बहुत आसान है। इसका मतलब नोट के साथ याद रखिएगा मेरे बच्चों, नोट के साथ याद रखिएगा बच्चों, कि व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो, कौन जीरो है, एन इज इक्वल टू जीरो, अगर एन जीरो है तो डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज इजियर, डिफॉर्मेशन ऑफ
मटेरियल इज डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज इजियर 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 यानी इजियर का मतलब नो स्ट्रेन हार्डनिंग नो स्ट्रेन हार्डनिंग कोई भी स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगी मटेरियल भाई स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी तो मटेरियल आसानी के साथ डिफॉर्म हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम इसे परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है आइडियल प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है अब यन की वैल्यू बढ़ाओ जब यन की वैल्यू बढ़ाओगे जब आप यन की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होने वाला है जब आप यन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जरा देखिए बच्चों यन की वैल्यू बढ़ाओगे तो अब आप यहां से यन की वैल्यू बढ़ा दीजिए यन की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाइए यानी आपने यन की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपने यहां से क्या किया एक ये निकला दूसरा और यन की वैल्यू बढ़ाइए तो ये निकलेगा और यन की वैल्यू बढ़ाइए तो ये निकलेगा कुछ ऐसे ही निकलने वाले हैं यन की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाइए यन की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाइए ठीक है और यन की वैल्यू बढ़ाते 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 आपके पास एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी मेरे बच्चों एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी मेरे बच्चों कि यन की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जो इसी लाइन को सीधे फॉलो कर जाएगा इसी लाइन को क्या करेगा वो सीधे फॉलो कर जाएगा तो जब यन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इसी को फॉलो कर गया मान लीजिए ये है इसमें मान लीजिए यन की वैल्यू 0.3 है यन की वैल्यू और बढ़ाओ 0.5 ले लो यन इज इक्वल टू 0.5 ले लो यन इज इक्वल टू 0.8 ले लो ये जो एकदम इसी को फॉलो कर गया दैट इज यन इज इक्वल टू 1 दैट इज द यन इज इक्वल टू 1 इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता अब इस पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा कर दूं ये ये देखिए देखते चले जाओ बच्चों आप इस पर मैंने ये ड्रा कर दिया दिस इज द सिग्मा टी मान लो मैं ये सिग्मा टी ले लेता हूं इनके सबके लिए सिग्मा टी ले लेता हूं जिसमें यन की वैल्यू 0.3 यन की वैल्यू 0.3 है उसमें आपको जो स्ट्रेन मिलेगी वो ये मिलेगी यानी यहां तक मटेरियल डिफॉर्म होगा यहां तक मटेरियल डिफॉर्म होगा यहां तक मटेरियल डिफॉर्म होगा यही तो है एप्सिलॉन टी ये दिस इज द डिफॉर्मेशन तो अगर वो है तो उसमें इतना डिफॉर्मेशन होने वाला है यानी इज इक्वल टू 5 वाले में डिफॉर्मेशन इतना होगा यानी इज इक्वल टू 8 वाले में डिफॉर्मेशन इतना होगा यानी इज इक्वल टू 1 वाले में डिफॉर्मेशन और कम होगा यानी जितना वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे जितना वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हो उतना आपकी जो अगर आप देखें उतना आपकी डिफॉर्मेशन कम होता चला जा रहा है हाँ स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती चली जाएगी नो डाउट स्ट्रेंथ उसकी भैया उसमें देखो ना इसमें यहां मिल रहा है इसमें यहां मिल रहा है इसमें तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने लाइन खींच दिया था ये मैंने दिखाने के लिए लाइन खींच दिया था इसका मतलब हुआ कि जब आप यहां से ये कॉन्सेप्ट क्या निकला मेरे बच्चों अगर यन इज इक्वल टू 0 है तो डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इजियर ठीक है दैट इज द परफेक्ट आइडियल प्लास्टिक मटेरियल एंड देयर इज नो स्ट्रेन हार्डनिंग एक कॉन्सेप्ट तो ये निकला दूसरा ये निकला कि मेरे बच्चों अगर आपने यन को बढ़ाया स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट को इंक्रीज कराया किसको इंक्रीज करा रहे हो स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट को इंक्रीज करा रहे हो जब आपका स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट इंक्रीज करेगा
जब आपका स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट इंक्रीज करेगा तो आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीज कर जाएगी, स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीज कर जाएगी। स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितना ज्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। और जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतना डिफॉर्मेशन कम होता चला जा रहा है। देख लो जितना यह बढ़ रहा है बट डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिफॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। डिफॉर्मेशन कम होगा, जितना स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी उतना, जितना स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट बढ़ा रहे हो उतना स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन उतना डिफॉर्मेशन, इसमें इतना डिफॉर्मेशन मिल रहा, इसमें इतना डिफॉर्मेशन मिल रहा, इतने इसमें इतना मिल रहा, इसमें इतना मिल रहा, यानी उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन बच्चों कम होता चला जाएगा, उतना ही उसमें उतना डिफॉर्मेशन कम होता चला जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। और यह सिग्मा टी के बराबर है। ये सिग्मा टी किसके बराबर है? के बराबर है। ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई। इसका मतलब ये बात आ गई सबको कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में, इसका मतलब ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई मेरे बच्चों कि कहां पे फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ एन क्या होगा? एन की वैल्यू जो होगी वो जीरो से लेस देन आर इक्वल टू एन लेस देन आर इक्वल टू वन। जीरो से कम नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। जीरो से कम नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। जीरो से कम नहीं हो सकती और एक से ज्यादा नहीं हो सकती। बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। बात क्लियर है? तो इलास्टोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के लिए रखना है तो एन की वैल्यू पूछा जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट पूछा जाता है कितना होगा, तो जीरो से वन के बीच में क्या करेगा बच्चों? वो लाई करेगा। जीरो से वन के बीच में क्या करेगा? वो लाई करेगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई तो इस इक्वेशन का बहुत बड़ा महत्व है। इस तरीके से मटेरियल की बिहेवियर को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में रखना है तो हम उसके हिसाब से इनको देखते रहते हैं, उनके हिसाब से इसको देखते रहते हैं। अब इसी ग्राफ में जनरली अब करते क्या है, ये तो किसी स्टेंट पॉइंट की है लेकिन हर एक स्टेंट में अलग अलग स्ट्रेस आती है। अगर अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन आता है तो फिर हम एवरेज स्ट्रेस की बात करते हैं, एवरेज फ्लो स्ट्रेस। किसकी बात करते हैं? एवरेज फ्लो स्ट्रेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? एवरेज फ्लो स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? एवरेज फ्लो स्ट्रेस की बात करते हैं। तो जब आप एवरेज फ्लो स्ट्रेस की बात करते हो क्योंकि आपको एनालिसिस में लगेगा तो मैं यही सीधे बता दे रहा हूं, डिराइव नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं डिराइव करने का। डिराइव नहीं करूंगा बच्चों, कोई मतलब नहीं है डिराइव करने का, ठीक है। कोई मतलब नहीं है डिराइव करने का, डिराइव बिल्कुल नहीं करूंगा, केवल ऐसे ही बता देता हूं, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। जहां जिस चीज की जरूरत होगी वो मैं अपने आप वहां पे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको पता है कि ये आपकी प्लास्टिक इलास्टिक जोन है, ये आपकी इलास्टिक जोन है, ठीक है। यहां पर आपकी एवरेज स्ट्रेस, ये आपकी एवरेज स्ट्रेस मान लीजिए यहां कहीं आने वाली है। एवरेज स्ट्रेस कहां आएगी? कहीं यहां पे आने वाली है। यहां पर आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस आने वाली है, यहां पर आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस आने वाली है, यहां से यहां जाएगा 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 जाएगा,
तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो यहां पर आपकी एवरेज स्ट्रेस आएगी सिग्मा एवरेज, और यहां कहीं आपको अल्टीमेट स्ट्रेस मिलने वाला है, यहां पर आपको सिग्मा अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगी, अल्टीमेट का मतलब उससे ज्यादा स्ट्रेस की बात आप नहीं करेंगे, जहां कहीं भी लेते जरूरी नहीं है, जहां कहीं आप लेते हैं वहां, यहां लेते हैं यहां ले लीजिए, यहां लेते हैं यहां ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी अल्टीमेट, ये आपकी अल्टीमेट अल्टीमेट पॉइंट, और अल्टीमेट पॉइंट पर याद रखिएगा भाई बेसिक चीज है, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है, कौन है, अल्टीमेट पॉइंट, जहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, सोम में खूब डिटेल से पढ़ाया जाता है, सोम में खूब डिटेल से पढ़ाया जाता है। और अल्टीमेट पॉइंट पर, अल्टीमेट पॉइंट पर जो आपके एप्साइलम टी की वैल्यू होती है, एप्साइलम टी इसमें लोगे, एप्साइलम टी की वैल्यू होती है वो एन के बराबर होती है। तो एट अल्टीमेट पॉइंट एप्साइलम टी इज इक्वल टू एन, ये पूछा जाता है बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो एट अल्टीमेट पॉइंट, एट अल्टीमेट पॉइंट एप्साइलम टी इज इक्वल टू एन, तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ठीक है, और एप्साइलम टी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है, याद रखिएगा एप्साइलम टी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेन होती है उसी की बात कर रहे हैं। तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस का फार्मूला, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, इसी को इंटीग्रेट करके निकाल दिया जाता है, जीरो से लेके एप्साइलम तक निकालते हैं तो निकल के आता है, बट यहां पे कोई मतलब नहीं है उसको रखने का, तो मैं सीधे आपको फार्मूला बता दे रहा हूं, एवरेज फ्लो स्ट्रेस सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू, सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू, सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलम टी की पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है, के एवरेज के एप्साइलम टी की पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यहां पर आपकी ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, यहां पर ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन है, ठीक है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस एप्साइलम टी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है, एप्साइलम टी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है, ठीक है, एप्साइलम टी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है, उसी की बात कर रहा है, बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे बच्चों, एप्साइलम टी का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर रहा है, क्लियर कट, समझ में आया होगा। इसी को कई बार लॉग के रूप में लिया जाता है बच्चों, जो ग्राफ मैंने आपको इसे स्ट्रेन डायग्राम बताया, इसी ग्राफ को कई बार लॉग के टर्म में लिया जाता है, लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ करना थोड़ी ना है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सिग्मा टी इक्वल टू, मैंने बताया के इनटू एप्सिलॉन टी की पावर एन, के इनटू एप्सिलॉन टी की पावर एन नॉन लीनियर है, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो आप कहोगे लॉग टी, लॉग सिग्मा टी, लॉग क्या, सिग्मा टी इज इक्वल टू, लॉग सिग्मा टी इज इक्वल टू लॉग के, लॉग के प्लस एन लॉग सिग्मा टी, एन लॉग एप्साइलम टी, एन लॉग एप्साइलम, लॉग का मतलब एलेन ही है, ठीक है, लॉग का मतलब एलेन ही है, ठीक है, एप्साइलम टी, एन लॉग एप्साइलम टी, ठीक है, ये आपका नॉन लीनियर था, नॉन लीनियर था, बट जब आप उसमें लॉग लेते हैं तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर में कन्वर्ट, नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। अब लॉग सिग्मा टी क्या है, इसको हम वाई मान ले, ठीक है, इसको हम वाई मान ले, ठीक है, और आपके पास ये जो लॉग के है इसको सी मान लीजिए, ये क्या है, इसको एम मान लीजिए,
और इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। अब इसको हम टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, सोम में खूब डिटेल से पढ़ाया गया होगा बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। यही तो होता है, यही तो होता है मेरे बच्चों, यही तो होता है। आप इस पर, इस एक्सिस पर क्या लोगे, वाई लोगे ना, यानी लॉग सिग्मा टी ले लो। इस एक्सिस पर क्या लोगे, लॉग एप्साइलन टी ले लो। एक में लॉग एप्साइलन टी ले लिया, आपका जो इंटरसेक्ट सी इज द इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस, तो इस पर क्या आएगा, सी इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। इसका मतलब यहां से यहां तक सी इज द इंटरसेप्ट है। मान लीजिए ये आपका इंटरसेप्ट है, दिस इज द इंटरसेप्ट, यही इंटरसेप्ट है, और फिर यहां से एकदम लीनियर है, यहां से एकदम लीनियर है, यही ग्राफ बनेगा मेरे बच्चों। और यही तो स्लोप है लाइन का, यही तो स्लोप है, ठीक है। एन जो एन, एन को एम कहा ना, तो यही तो थीटा है, और थीटा एन है, थीटा क्या है, एन है, और ये लॉग टी, और ये क्या है, यही तो इंटरसेप्ट है, यही है आपका लॉग के, लॉग के, ठीक है, लॉग के। और ये जो लाइन खींचा आपने, यही टोटल क्या बन गया, यही टोटल क्या बन गया बच्चों मेरे, यही टोटल क्या बन गया कि लॉग सिग्मा टी इज इक्वल टू लॉग के प्लस एन लॉग एप्साइलन टी प्लस एन लॉग एप्साइलन टी। कभी कभी ऐसा होता है, तो चाहे इस फार्म में रिप्रेजेंट करिए, चाहे उस फार्म में रिप्रेजेंट करिए जो मैंने अभी पीछे बताया, तो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो स्ट्रेस का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मटेरियल आपका इलास्टिक के साथ, अगर उसमें इलास्टिक प्लास्टिक है, तो आपको फ्लो स्ट्रेस निकालना है। फ्लो स्ट्रेस निकालने के बाद उसकी एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालना है, और एवरेज फ्लो स्ट्रेस मैंने बच्चों आपको पीछे बता दिया है। एवरेज फ्लो स्ट्रेस का फार्मूला यह होता है के एप्साइलम टी की पावर एन अपान एन प्लस वन, यहां से एवरेज फ्लो स्ट्रेस होती है। अगर वो मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक है, अगर मटेरियल इलास्टिक प्लास्टिक है, यानी पहले इलास्टिक गया फिर प्लास्टिक गया सीधा, तो फिर वो उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसी को मीन फ्लो स्ट्रेस कंसीडर कर लिया जाता है, या उसी को नॉमिनल स्ट्रेस कंसीडर कर लिया जाता है। अगर परफेक्टली, मैंने के दिखाया ना पीछे, अगर वो परफेक्टली प्लास्टिक है तो इसी को मीन फ्लो स्ट्रेस कंसीडर कर लिया जाता था। अगर वो परफेक्टली प्लास्टिक है तो इसी को मीन फ्लो स्ट्रेस कंसीडर कर लिया जाता है। ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है। पावर लॉ समझ में आया क्या होता है, पावर लॉ का मतलब समझ में आया क्या होता है, पावर लॉ में मैंने फ्लो स्ट्रेस पढ़ाया समझ में आया क्या होता है, तो दैट इज द फ्लो स्ट्रेस। फ्लो स्ट्रेस की कहानी आपको बच्चों बहुत डिटेल से समझ में आ गई होगी। फ्लो स्ट्रेस की कहानी आपको बहुत डिटेल से समझ में आ गई होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पे चलता है जिसे रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बिना उसके आगे की कहानी ही नहीं चलेगी, बिना उसके आगे की कहानी नहीं चलेगी। इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताते हुए मैं यहां तक ले आया। इतनी बातें मैंने सोम से रिलेट करके, क्योंकि सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको पढ़ते हैं, और मेटल फॉर्मिंग, इनका एकदम एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है, तो इसलिए वो चीजें पढ़ना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी हो जाती है। यह बात क्रिस्टल क्लियर हो गई सबको? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी मेरे बच्चों, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।